प्रभास तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आजकल तो बस प्रभास और शाहरुख खान ये दो एक्टर्स ही छाए हुए हैं इंडियन सिनेमा से। SRK का हार्डली एक फिल्म आएगा 2024 में या फिर 2025 में, तो वही प्रभास की चार मूवी सबकी फाड़ने के लिए आ रही है। कल की 2898 AD के बारे में काफी सारे अपडेट सामने आए हैं। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि कल की में कई सारे बड़े बड़े स्टार्स का कैमियोज है, लगभग 6 से 7 कैमियो है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे मूवी में। तो न्यूज ये आ रहा है कि जूनियर NTR का कैमियो हो सकता है कल की मूवी में, और अगर ऐसा हुआ तो थिएटर्स पर आग लग जाएगा बॉस। जूनियर NTR और प्रभास अगर एक साथ आते हैं प्री रिलीज इवेंट पे, तो फिर ये मूवी किस लेवल तक जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जूनियर NTR का भी फैंडम कम नहीं है बॉस। जब RRR का प्री रिलीज इवेंट हुआ था तो 10 लाख ऑडियंस आए थे, तो सोचो किस लेवल का फैन फॉलोइंग है इस बंदे का। और प्रभास के फैंडम के बारे में तो आप जानते ही हो, अगर ये दोनों साथ में प्री रिलीज इवेंट पर आ गए तो फिर ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक और अपडेट ये है कि प्रभास का कल की मूवी में एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 डिफरेंट लुक्स होगा। मतलब प्रभास हमें 5 अलग अलग अवतार में नजर आएंगे। एक लुक होगा लॉर्ड विष्णु का, एक होगा लॉर्ड राम का, एक होगा लॉर्ड कृष्णा का, एक होगा लॉर्ड बुद्धा का और एक कल्की का। और उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि कल्की मूवी 3 पार्ट्स में बनेगा। तो सबसे पहला होगा कल्की 2898 AD और इसका सेकंड पार्ट होगा कल्की 3102 BC जो कि 2027 में आएगा। इतना ही नहीं, कल्की 2898 AD 25+ डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज होगा ऑन 9th में। नेक्स्ट अपडेट है पुष्पा 2 के बारे में। एक्टर जगदीश जो पुष्पा 1 में केशवा का रोल प्ले कर रहे थे वो अब जेल से बाहर आ गए हैं। जगदीश कोई प्रॉब्लम में फंस गए थे जिसके वजह से वो अरेस्ट हो गए थे, और अब पुष्पा 2 के मेकर्स बहुत परेशान थे कि उनका ये शूटिंग कब होगा और कैसे होगा। मेकर्स ने ये भी सोचा था कि जगदीश की जगह वो दूसरे एक्टर को कास्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो अब जगदीश बेल में रिलीज हुए हैं स्पेशली फॉर शूटिंग पुष्पा 2, तो पुष्पा 2 पोस्टपोन होने का चांस बिल्कुल नहीं बनता। पुष्पा पीछे हटेगा नहीं बॉस। नेक्स्ट अपडेट है सलार OTT रिलीज इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। भले ही सलार साउथ के सारे लैंग्वेजेस में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रहा है, तो सोचो जब इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन रिलीज होगा तो कितना धमाका होगा। अपडेट के अकॉर्डिंग सलार का हिंदी और इंग्लिश वर्जन 16 February को रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पर। तो जो लोग हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं वो 16 February को एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। खैर सलार 2 को लेकर ये भी अपडेट आया है कि सलार 2 में गोपी चांद नजर आएंगे। प्रभास और गोपी चांद का ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज आ रहा है कि गोपी चांद फिर से नजर आएंगे सलार 2 में। प्रभास और गोपी चांद पहले वर्षम मूवी में एक साथ नजर आए थे जहां गोपी चांद ने विलन का रोल प्ले किए थे, तो अब देखना ये होगा कि गोपी चांद का सलार 2 में कैसा रोल होगा। तो कैसा लगा आपको ये सारा अपडेट? इसी तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।